हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये रहा मेरे ओ माय गॉड, मुझे चोट लग गई क्योंकि ये बिल्कुल लूज हो गए थे। तो चलिए पहले मैं इसकी स्क्रू टाइट कर लेती हूँ और आज का एकदम मस्त स्नैक्स बनाना शुरू कर। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई होप कि मेरी ये वीडियोज़ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप ट्राई कीजिएगा। हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और प्रोटीनस, एक तरह से अपने स्नैक्स ही कहिए, जो सोया से मैं बनाऊंगी, सोयाबीन से। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी स्नैक्स बनाने वाली हूँ और बच गए हैं चार, तो शुरू करते हैं आज के हेल्दी स्नैक्स। तो आज का स्नैक्स शुरू करते हैं जो बहुत ही हेल्दी और प्रोटीनस होता है, जो न्यूट्रेला से सोयाबीन से मैं बनाऊंगी। उसमें क्या क्या मैं इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, तो सबसे पहले हम कैप्सिकम लेंगे, अनियन लेंगे, गार्लिक लेंगे और थोड़ी सी चिली भी लेंगे और कैरेट भी लेंगे, जो सबके सब हेल्दी रहते हैं। उसके बाद हम कुछ मसाले लेंगे, जैसे कि कॉर्नफ्लोर, जैसे कि अब हो गया ये डार्क सोया सॉस जो बहुत ही हेल्दी रहता है फॉर फूड, फॉर हेल्थ सबके लिए। उसके बाद रेड चिली जो बहुत ही तीखा रहता है पर थोड़े स्वाद के लिए तो ज़रूरी है। उसके बाद ये मेरा और ये रहा मेरा चिंचाचून का ग्रीन चिली, जो भी नाम हो उससे क्या फर्क पड़ता है, चिली तो चिली है। और वन ऑफ माय फेवरेट है जो मैंने सॉस लिया है, किसान का टमाटर सॉस जो प्योर टमाटर से बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बगिया मैया और फाइनली मेरे सोयाबीन्स उबल चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं इसको थोड़ी देर सारे मसाले डाल के उसको कुछ देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए मैं स्टोर करके रखूँगी। तब तक वो सारे वेजिटेबल्स कट कर लूँगी। अब कॉर्नफ्लोर ले लेती हूँ और आप कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में डाल ली हूँ। उसके बाद थोड़ी सी रेड चिली मैं डालूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करनी है। उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा एकदम हल्की सी। एंड वन कदर लेकिन खा कर दे, ढक्कन तो खोल। थोड़े से ग्रीन चिली सॉस ये निकल जा प्रभु, ये निकल गई। और मुझे अभी ही बहुत तेज भूख लग चुकी है इसे देख के। और आपका दिल करे तो सॉस भी डाल सकते हैं, मैं डालूंगी क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉस। जीजो खोलो। अब मैं अपना फेवरेट सॉस ले लेती हूँ, उसमें बस थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ इसको, उसके साथ। अब इसके बाद थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ, जो हम लोग देख सकते हो हम लोग पिंक कलर का यूज़ करते हैं, जो सी सॉल्ट हो। अब मैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, सी सॉल्ट, जो हेल्थ के लिए और बीपी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। एंड फाइनली अब मैं इसे मैश कर देती हूँ। अब हम लोग अनियन काटेंगे और इसे मैं ऐसे ऐसे काटूंगी और उसे मैं फिर सारे अनियन को एक एक करके ऐसे ओपन कर लूंगी। या आप 2 पीस में भी कर सकते हैं, बस 2 कट कीजिए, पर मुझे छोटे छोटे पीस पसंद है तो मैंने इसलिए इसमें 3 पीस लिए हैं। और मैं फिर से ऐसे कट करूंगी और फिर से इसे मैं 3 कट लूंगी, उसे मैं फिर से ओपन कर दूंगी। और मैंने फाइनली कैप्सिकम सारे कट कर ली हूँ छोटे छोटे पीसेस में, और फाइनली मैंने कैप्सिकम और देख सकते हो आप अनियन भी कट चुके हैं। अब चिली काटती हूँ मैं, चिली को आप एज अ स्टाइल आप क्रॉस भी कट कर सकते हैं।
और फाइनली मैं थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ, बस लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से हीट हो जाए। और मेरा अब ये रेडी है, देख सकते हो। अब इसे मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी। और थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल देती हूँ। और मैं अब फ्राई करूँगी, बंद कर दिया। और वो स्पैन काफ़ी छोटा था, मुझे अच्छे से फ्राई नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने बड़ा सा स्पैन ले लिया। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पकाना है जब तक ये रेडी ना हो जाए। और फाइनली देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, धीरे धीरे इसे पकाना है। उसके बाद फिर हम अपना इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छे से पकाएंगे। और सबसे पहले मैं चिली डाल देती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अभी ही डाल दूंगी। और धनिया भी डाल देते हैं। और ये छीटे पड़ रहे हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। एंड फाइनली सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डाल दूँ और इसे मैं पकाऊंगी। एंड फाइनली देख सकते हो एकदम अच्छे से बॉइल हो गए हैं। तो सबसे पहले हम टमाटो सॉस डाल देते हैं, ग्रीन चिली सॉस डाल देते हैं। और उसके बाद इसे थोड़ा सा हमें डाल लेती हूँ। और ये रहा रेड चिली, चिंग चांगसू का रेड चिली, कुछ ज़्यादा ही देरी नहीं डाल दी है। एंड एट लास्ट सोया सॉस। एंड फाइनली अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन रेडी है, और थोड़े से मैं इसे पकाऊंगी। एंड फाइनली आप देख सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। थोड़े देर के लिए हम 5 से 10 मिनट और इसे फ्राई कर देंगे, उसके बाद सोयाबीन डाल देंगे। और अब हम डाल देते हैं सोयाबीन जो हमने फ्राई करके पहले से ही रखा था, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड ऑलमोस्ट हमारी सोया चिली रेडी है खाने के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब हेल्दी स्नैक्स है शाम के लिए, और यम्मी भी और टेस्टी भी। एंड फाइनली ये रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो चलिए हम लोग खा के टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। और चलिए हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बना है। यम्मी यम्मी यम्मी। एंड फाइनली हम लोग खा चुके हैं, रेसिपी बहुत ही टेस्टी थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही दमदार और दमेदार मतलब बहुत ही ख़तरनाक वीडियोस मैं लाने वाली हूँ हमेशा, हर डे पर डे। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ ये स्नैक्स आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।